34 दिन की बगावत के बाद सचिन पायलट की राजस्थान में घर वापसी हुई है और इन सबके बीच अब सचिन ने केंद्र सरकार के खिलाफ बगावत का मोर्चा संभाल लिया है। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के पास लॉकडाउन के दौरान घर लौटते हुए जिन प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हुई उसका आंकड़ा नहीं है। आपको बता दें, मार्च महीने में महामारी के चलते जो लॉकडाउन लगाया गया उसमें लाखों लोगों की नौकरी चली गई। रोजगार छिन जाने के बाद लाखों मजदूर हताश होकर भूखे पैसे अपने घरों की तरफ निकल पड़े। उसमें से सैकड़ों लोगों की अलग अलग हादसों में मौत हो गई। कोरोना काल के दरमियान जारी पहले संसद सत्र में केंद्र सरकार ने ये मान लिया है कि उनके पास प्रवासी मजदूरों की मृत्यु का कोई आंकड़ा नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा, लॉकडाउन में लाखों प्रवासी मजदूरों को भय, भूख व मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। घर की आस में पैदल रवाना हुए कई मजदूर घर ही नहीं पहुंच पाए। केंद्र सरकार के पास उनका कोई आंकड़ा नहीं है। ये मेहनत कश भारतीयों का अपमान है। मजदूरों के साथ ये संवेदनहीनता निंदनीय है। प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़े को लेकर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दिए गए बयान को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मेहनत कश भारतीयों का अपमान बताया है। आपको बता दें, सिर्फ सचिन पायलट नहीं बल्कि मोदी सरकार की ओर से दिए गए इस बयान की आलोचना मध्य प्रदेश में भी हो रही है, जहां 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता और विधायक जीतू पटवारी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। ट्वीट करते हुए लिखते हैं, नरेंद्र मोदी जी, यदि आप विपक्ष में होते और सरकार यदि ऐसी लापरवाही से जवाब देती तो आप सरकार पर गैर इडारतन हत्या के केस की मांग करते या नहीं। जीतू पटवारी लिखते हैं, मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए, जनता भावुक जरूर है पर मूर्ख नहीं। आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़े केंद्र सरकार के पास नहीं है। इस बयान के अलावा भी केंद्र की मोदी सरकार ने एक और गैर जिम्मेदाराना बयान संसद के अंदर दिया है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।